यहाँ पे आप देख रहे हो जेठानी मेरा पैर दबा रही है, प्रियंका दीदी मेरा कमर दबा रही है, क्योंकि मुझे कल रात से हद से ज़्यादा वोमिटिंग और हद से ज़्यादा दर्द शुरू हो गया था। पूरी रात मैं सो नहीं पाई थी। जैसे ही सुबह इन लोगों को मैंने बोला कि इस तरह से बात है, तो फटाफट से सब कोई आ गए, बड़ी वाली दीदी भी आ गई थी। तो यहाँ पर ये लोग मेरी ऐसे दबा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन है मेरे। अभी उसको भी करने लेके जा रहे हैं डॉक्टर के पास, जिन जिन डॉक्टर से उनका ट्रीटमेंट देने का सोच रहा है। एक्चुअली क्या है कि हालांकि वो मिलेंगे 5-6 बजे, अभी मिलेंगे नहीं, लेकिन बड़ी दीदी ने बोला कि आप अभी चलो यहाँ लोकल मत दिखाओ, फिर एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, तो यहाँ से वहाँ चलो, जिन डॉक्टर से आपको बुला लेगा तो वह नर्सेज को दिखा देंगे। अगर नर्सेज को अर्जेंट लगा वो गाइड कर देंगी, अगर कैसा होगा ज़्यादा अर्जेंट लगा तो डॉक्टर को बुला लेंगे। इसलिए अब निकलने की तैयारी हो रही है, फाइनली जा रहे हैं उसको लेकर, देखते हैं आगे क्या क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। और वैसे ईश्वर मेरे सब अच्छा ही और अच्छा ही होगा, हालांकि तकलीफ है बहुत ज़्यादा है, और तकलीफ मैं आपको दिखाता हूँ। देखो चलो, हाँ देखो, ये मेरे हाथ में जो आपको दिख रहा है ग्लास, ये है अनार का जूस, क्योंकि दाई माई भी यही देख के गई थी और बोली थी कि इसको तुरंत ही हॉस्पिटल लेके जा। तो मेरी बड़ी वाली, बीच वाली जिठानी, बड़ी वाली ननद और प्रियंका दीदी सबको ही आ गए थे, और यहाँ पे हॉस्पिटल जाने की तैयारी हो रही थी हमारी, और वो रही मैं, क्योंकि मेरे बैक में हद से ज़्यादा पेन था। तो मैं भी धीरे धीरे इधर उधर से जो जो मुझे लेके जाना था, पता नहीं होता ना कब डॉक्टर एडमिट कर ले कब क्या हो। तो यहाँ पर मैं अम्मा को ये नींबू रस वाली, मतलब खट्टी वाली एक चॉकलेट आती है वो दे रही थी, क्योंकि मुझे कुछ भी खाओ वोमिटिंग 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 हो रही थी। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, एकदम मतलब चक्कर टाइप के आने लग गए थे। तो फिर मैंने सोचा था कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा दिन का और परेशानी है, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे मेरी जिठानी और सब कोई रेडी थे, फिर मैंने भगवान को हाथ जोड़ना था। तो मैं सबसे पहले मेरे सासू माँ ससुर जी को ही हाथ जोड़ती हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो वही भगवान है, मेरे पति को मेरे को दिया है, तो उनसे आशीर्वाद लिया। फिर यहाँ पे मेरे कान्हा जी को भी मैंने याद किया, फिर श्रीनाथ जी को हाथ जोड़ा, और फिर मैंने बोला कि चलो अब रवाना होते हैं। बस भगवान को हाथ जोड़ के निकलते हैं कि भगवान जो भी करे सब अच्छा करे, जैसा भी हो सब अच्छा अच्छा हो। अगर राइट टाइम आ गया है बेबी के आने का तो ठीक है, बेबी आए। मतलब मेरे इतने ज़्यादा पेन हो रहे थे कि मैं लिफ्ट का भी वेट नहीं कर पा रही थी, और यहाँ पे मैं सीढ़ियों में बैठ गई थी क्योंकि लाइट चली गई थी। तो हमने महाराज जी को बोला था लिफ्ट चालू करवा दो, तो महाराज जी फिर लिफ्ट चालू करवाए थे जनरेटर से, और यहाँ पे हम रवाना हो रहे थे। और आप मेरी शक्ल देख के पता लगा सकते हो कि मेरी क्या हालत हुई होगी, मतलब पेन इतने ज़्यादा थे बैक में और लेग में, ना कुछ नहीं समझ में आ रहा था। बस भगवान को हाथ जोड़ रही थी हर जगह से कि भगवान बस मेरे साथ रहना, जो भी करो अच्छे से हो, सारी चीज़ें अच्छे से हो। धड़कन भी बहुत तेज़ थी क्योंकि अभी बहुत टाइम है मेरे पास बेबी आने का, तो पता नहीं ना क्या होते क्या हो। यहाँ पर ये देखो मैं भाग रही हूँ क्योंकि मैंने वो जो जूस पिया था, मुझे इतनी ज़्यादा वोमिटिंग, मतलब कुछ भी खा रही हूँ मुझे वोमिटिंग हो रही है, कुछ भी कर रही हूँ मुझे वोमिटिंग हो रही है। तो भगवान को हाथ जोड़ के मैं, अम्मा, राम सिंह भैया, जेठो जी, हम लोग रवाना हो गए हैं बीकानेर के लिए, क्योंकि जो डॉक्टर है वो बीकानेर में ही देखेंगे ना। पहले सोचा था यही नौखा में दिखा लें, फिर सोचा नहीं अब बीकानेर ही जाना चाहिए, और वैसे भी घर के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उन्होंने देखा था तो उनको भी यही लगा था बीकानेर चलो। यहाँ पे मेरे जेठ जी और जेठानी जी को पहले ही बता के रखा था, तो वो लोग वेट ही कर रहे थे। और मैं अंदर वॉशरूम गई थी, और वॉशरूम से जैसे ही आई ना, मुझे फिर से वोमिटिंग वोमिटिंग जैसा लग रहा था। तो ये देखो मैं यहाँ पर फिर से बोलूँ कि मुझे फिर से वोमिटिंग हो रही है, इतनी वोमिटिंग हो रही है ना मुझे, मतलब लिमिट क्रॉस। और कल नाइट से तो एक सेकेंड के लिए भी मैंने आँख नहीं बंद कर पाई। और ये देखो फिर से आप लोगों के सामने, आप लोग बोलते हो ना कि यार दर्द नहीं होती है, दर्द होता नहीं है, दर्द होता तो इतना नहीं कर पाती, तो इसीलिए मैंने ये वाले क्लिप्स भी आप लोगों के सामने लिखे हूँ कि यार दर्द होता है, बैंड बजती है हमारी भी। मेरे जेठ जी इतना गुस्सा करें, इसको क्या खिलाया जो इसको इतनी वोमिटिंग हो रही है, क्योंकि सबको कंसर्न होते हैं इस टाइम वोमिटिंग नहीं होनी चाहिए थी और फिर भी मुझे वोमिटिंग हो रही है। तो कोई बस जल्दी से सबको लेके हम लोग रवाना हो गए हमारे डॉक्टर के लिए, क्योंकि पता नहीं डॉक्टर मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसा है कि भाई अगर इमरजेंसी लगी तो नर्स वगैरह डॉक्टर को बुला देंगी। तो यहाँ पर मैं मेरे वो खट्टी वाली चॉकलेट खा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वोमिटिंग वोमिटिंग जैसा ही लग रहा था, गाड़ी में बैठो कुछ भी करो। तो यहाँ पे जेठानी जी बात कर रही थी उनसे कि भाई अगर कल को एडमिट करना पड़े सीरियस हो तो फिर डॉक्टर नहीं आ जाएगी। तो उन्होंने बोला था हाँ हाँ आप टेंशन मत लो, डॉक्टर नहीं आ जाएगी, आप वहाँ पर ले जाओ, उस नंबर वार्ड पर ले जाओ। ये जो हॉस्पिटल है ना, यहाँ पर मेरे जेठ जी, जेठानी जी, मेरी नाना, जेठू जी, सबको ही सबको जानते हैं, और यहाँ के जो डॉक्टर है ना वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही अच्छी है। तो इसीलिए हमने सोचा था कि यही वाली हॉस्पिटल हम रेफर करते हैं, क्योंकि हमारे घर पर और भी 5-6 डिलीवरियाँ हुई हैं ना, वो इसी हॉस्पिटल में हुई है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं भी इसी में ही जाऊँगी, जहाँ पे सब जाते हैं वहीं मैं जाऊँगी, क्योंकि जान चीन होना इस दौरान हमारे नोन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
पता है धड़कन इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, दर्द भी इतना आ रहा था और अभी टाइम भी बहुत सारा पड़ा है, पता नहीं डॉक्टर ने क्या बोलेंगे। फिर यहाँ पे डॉक्टर जब आई नहीं थी, लेट हो रहा था, तो मैंने बोला मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा वीकनेस है कि मैं 5 सेकंड के लिए भी खड़ी नहीं रह पाती हूँ। तो मेरी जेठानी और मेरी ननद सारी चीज़ें कर रही हैं, जो कागज़ लेना है, जो भी करना है, और यहाँ पर मैं किसी का फ़ोन आ रहा था तो फ़ोन भी नहीं बात कर पा रही थी, तो मैंने फ़ोन कट कर दिया क्योंकि इतना ज़्यादा पेन था ना, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बस अंदर अंदर भगवान को याद कर रही थी क्योंकि अभी मेरे बेबी होने में बहुत टाइम था और इतना जल्दी अगर बेबी आ जाएगा तो भी रिस्की है मम्मा और बेबी दोनों के लिए, और मेरे जो पेंस थे वो लिमिट क्रॉस वाले थे, तो क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था मेरे साथ इस बार क्या हो रहा है। अभी 4-5 दिन पहले इतने ज़्यादा फॉल्स पेन आए थे तो डॉक्टर ने बोला था वो फॉल्स पेन है, और इस बार भी उससे भी ज़्यादा पेंस मेरे शुरू हो गए थे आने, तो सब ने बोला था कि नहीं अब हम नोखा नहीं दिखाएंगे, अब हम बीकानेर ही जाके दिखाएंगे। तो यहाँ पर प्रेशर सब किया तो डॉक्टर को थोड़ा सा गड़बड़ लगा, तो उन्होंने मुझे कुछ इंजेक्शन देके यहाँ पे लेटा दिया, बोले आपको इधर यहाँ लेटो, जब तक बड़ी वाली डॉक्टर नहीं आती है तब तक हम आपको छुट्टी नहीं देंगे। तो उन्होंने बताया नहीं कुछ भी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अंदर से टेंशन हो रही थी, घबराहट हो रही थी। मैं मेरी जेठानी को बोली थी कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मेरे दर्द कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है और कुछ मतलब होता है ना, फील गुड नहीं आ रहा है। और यहाँ बाहर मेरे हस्बैंड और मेरे जेठ जी दोनों बातें कर रहे हैं, जेठ जी को भी बहुत ज़्यादा टेंशन थी क्योंकि इतना जल्दी अगर होने से फिर माँ और बच्चा दोनों पर रिस्क होता है। और ये रही अम्मा की भी तबीयत बिगड़ गई थी क्योंकि बस सिर्फ अम्मा को यही बताया गया था जो जल्दी चलो क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप लोगों के सामने है तो वह डॉक्टर को अलग अलग दिखा दिया, अब जो मेन डॉक्टर है बड़ी वाली वो आ रही हैं, बोला है अब एडमिट होने के लिए, बोला है पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो लोग कुछ बता नहीं रहे हैं, शायद मुझे नहीं बता रहे, मेरे जेजी जेठानी को मेहनत को उनको बता रहे होंगे क्योंकि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इंजेक्शन लगा दिया था फिर भी मेरे को ठीक नहीं लग रहा था, अब वो आएंगे तो पता चलेगा क्या हो क्या नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। ओ मम्मी बहुत हार्ड टाइम होता है यार, बहुत हार्ड टाइम। सोचो दर्द में भी हम ये वीडियो बना रहे थे, हमको कितनी बड़ी चुनौती होती है हमारे साथ। देखते हैं मैडम क्या बोलती हैं, जो बड़ी वाली मैडम है जिनके पास मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है वो मैम क्या बोलती हैं, क्योंकि दो लोगों से दिखाया तो उनको थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उनको बुलाया बड़ी वाले को, जो भी होता है आप लोगों के साथ अपडेट देंगे। जो मेन डॉक्टर है उन्होंने भी देख के यही बोला कि आज नाइट मुझे एडमिट ही रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें देखनी हैं, नाइट कैसे निकलती है, क्या होता है, कुछ सीरियस ज़्यादा नहीं मतलब हो जाए इसलिए। तो ये हमने वो पूरा जो रूम है वो हमने ले लिया था, यहाँ पे मेरे जेठ जी जेठानी जी ये अम्मा हम सब बैठ गए थे क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो फिर जेठ जी बाहर चले गए। और ये देखो मेरी हालत, मतलब मेरे इतने ज़्यादा क्रैम्स आ रहे थे ना, तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। आप मेरी शक्ल से अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरी क्या हालत हो रही थी, है ना। ये टाइम ही कुछ ऐसा होता है और हर लेडी को ही ऐसे ही पेन्स आते हैं यार, और मैं बेहोश के जैसे हो रही थी क्योंकि दर्द में रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, रुक रुक के इतने दर्द लिमिट क्रॉस। और मेरे को मन में बहुत सारे डर भी सता रहे थे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था इतना जल्दी ऐसा क्यों हो रहा है, अभी बहुत सारा टाइम है, मेंटली भी प्रिपेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
तो मेरे साथ ना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मेरी ना जो हाथ की नर्व है वो मिलती ही नहीं है। इतनी ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम रहती है, ये आज से नहीं डे वन से है, बहुत टाइम से। आपने पहले भी अगर व्लॉग देखे होंगे तो उनमें भी मेरे साथ यही इशू हो रहा था और यहाँ पे भी सेम इशू हुआ। एक तो मेरे वैसे भी लेग और बैक में इतने ज़्यादा क्रैम्प्स आ रहे थे और ऊपर से ये वाली प्रॉब्लम। और मैं आप मानोगे नहीं, मतलब इतना ज़्यादा परेशान हुई हूँ मैं ये दो तीन दिन में, क्योंकि मैंने थोड़े थोड़े पेंस थे तो मैंने बताया ही नहीं, मुझे लगा हो जाएगा। कल नाइट में भी मेरे को इतना ज़्यादा पेन हो रहा था तो मुझे लगा कोई नहीं, मेरा बच्चा नीचे आ गया होगा। तो मैंने पूरी नाइट ना बैठ के पिलो के ऊपर रख के पैरों को वैसे रखा कि भाई कल को ठीक हो जाए, फिर भी नहीं ठीक हो रहा था। और फिर सुबह सुबह जब अम्मा को बताया तो ये बोला कि बिना लेट करे फटाफट से बीकानेर लेके चलते हैं। फिर मैंने सोचा था कि एक बार हम नौखा ही दिखा लेते हैं, तो मैंने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है, अब तेरे पेन ज़्यादा हो रहे हैं, होता है ना, बड़े बुजुर्ग को पता चल जाता है। तो उन्होंने फिर बिना लेट किए हम लोग सीधा के सीधे रवाना हो गए बीकानेर के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मेरे को एडमिट ही कर लिया गया था और इस वाले हैंड में भी मेरा ये टीका नहीं लगा और इतना ज़्यादा पेन होना था तो मैं और ज़्यादा इरीटेट हो रही थी, गुस्सा हो रही थी, मम्मी क्यों करते हो ऐसा। फिर उनकी गलती नहीं है, मेरे हाथ में ना कभी भी ये जो वैन है ये मिलती ही नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है मेरी। फिर इस वाले हैंड में नहीं हुआ तो उन्होंने बोला था दीदी ने कि ये वाला हैंड, तो मैंने बोला मेरे दोनों हैंड को जख्मी कर दोगे, बट कोई ना, करवाना ज़रूरी है। वो कहते हैं ना माँ तो माँ होती है यार, माँ का कोई कंपैरिजन नहीं होता है, जो माँ ये समझ जाए ना वो सबसे बड़ी होती है माँ, इसीलिए तो माँ का वर्ड है। सो गाइस आप लोग खूब सारी ब्लेसिंग देना कि सब कुछ अच्छा अच्छा सा हो, मैं और मेरा बेबी एकदम ठीक रहें। तो यहाँ पर दीदी ने फिर से दूसरे वाले हैंड में भी पट्टी लगाई और ये वाला हैंड तो मेरा दर्द हो ही रहा था। लेकिन मुझे कौन ये ज़रूर बताना कि ऐसे और किसके किसके प्रॉब्लम्स होती है। बाहर जो भी सुन रहे थे दीदी लोग थे, बाकी जो मेरी ननद लोग थे, वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि सबको ये लग रहा था गुड न्यूज़ आ जाएगी। और मेरे को इतना ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि मैं मेंटली प्रिपेयर हुई नहीं, मुझे लगा कि अभी तो बहुत टाइम है तो आराम से निकल जाएगा। तो मैंने बहुत सारे मेरे को वीडियोज़ बनाने हैं, बहुत सारे काम करने हैं, अभी तक मैंने कंप्लीट ही नहीं किए हैं और टाइम भी बहुत कम है ना, कि भाई अभी तक नहीं पूरा टाइम हुआ है। वो कहते हैं ना बच्चा पूरा अपने टाइम पर आए तभी सब चीज़ें सही होती है, अब तो पता नहीं है। डॉक्टर ने भी यही कन्फ्यूज़ है कि पूरी रात निकलेगी तभी पता चलेगा कि बच्चा कब आएगा क्या होगा, ऐसे करके वो मुझसे बातें करते करते यहाँ पर मेरी उसने वो कैंडुला लगा दिया था फाइनली। ठीक है अभी नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना अभी तक, इसे नहीं करो। जी मेरी शक्ल एक ही दिन में अंदर चली गई, बताओ। यहाँ पे कैंडोला लग गया है क्योंकि बहुत सारे इंजेक्शंस लगने हैं और जो पेन है वो हद से ज़्यादा है। अब ये क्या पेन है, कैसा पेन है नहीं पता है। डॉक्टर ने बोला है आज नाइट वो यहीं एडमिट रखेंगे और देखेंगे क्या होता है। इतने ज़्यादा पेन है ना, मतलब लिमिट क्रॉस, और इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हुई है मुझे, इतनी ज़्यादा कल से, इसकी कोई सीमा नहीं है। और बेबी का मूवमेंट भी रुक गया था तो सब कोई डर गए थे कि पता नहीं क्या होते क्या हो। तो अभी मेरी जिठानी और माँ मेरी ननद घर भेजे हैं उनको खाना खाने के लिए कि आप लोग चले जाओ, मुझे भूख लग रही क्योंकि वॉमिटिंग हो रही है हर थोड़ी देर बाद। आप लोगों ने देखा कुछ भी खा रही हूँ वॉमिटिंग कर रही हूँ, कुछ भी खा रही हूँ वॉमिटिंग कर रही हूँ, ये हालत है मेरी। और वहाँ पे ये रहे जेठू जी। हेलो। सो ये कंडीशन है, अब जैसे भी रहेगा आगे आप लोगों के साथ अपडेट दूंगी मैं।
तो यहाँ पे मैंने बोला था मुझे आलू की सब्जी, फुलके और दही खाने हैं, तो मेरी जेठानी जी वही गरम गरम बना के लेके आई थी। और नाना तो जेठानी पहले मुझे खाना खिला रही है। जेठू जी ने बोला था मुझे भूख लगी है, तो बोले नहीं तो रुक जाए एक बार, पहले इसको खाना खाने दे। तो यही प्यार है, ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और हाँ, अब आगे के पार्ट में आपको पता चलेगा कि मेरा बेबी हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। बस आप लोग कॉमेंट सेक्शन में भर भर के ब्लेसिंग देना, आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सब अच्छा हो, मैं, मेरा बेबी, सारी चीज़ें। ये टाइम पीरियड जो है हमारी फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि सब कुछ अच्छा चाहिए, जच्चा बच्चा सब अच्छा हो, यही ब्लेसिंग आप सबसे मांगते हैं। आप लोगों को ये वाला व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब। बाय।